अस्सलाम वालेकुम। चलो जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। हमने ग्रेड बुक कर लिया डिस्कस, अकाउंट बुक में इस टाइम जो लास्ट मेरी फी पे की हुई मैंने, वो सारे वो वाले टैब आ रहे हैं। जैसे ही इसमें न्यू फी अपलोड, उसके वाउचर अपलोड होते हैं और इसको फर्दर इंस्टॉलमेंट्स में कैसे करते हैं, उसके फिर अलग से वीडियो बनाएंगे हम। अच्छा जी, लेक्चर शेड्यूल भी अभी अपलोड नहीं हुआ, इसको कभी बाद में बना लेंगे। ये ब्लैंक है सारा कुछ। ईमेल पे आते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को जब फर्स्ट टाइम ईमेल की थी तो उसके अंदर एक आपको ईमेल आईडी दिया होगा। वो जो ईमेल आईडी होगा ऐसे होगा जैसे मेरा ईमेल आईडी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है? MC2020 इस तरह करके होगा, और @vu.adp, और इसका पासवर्ड भी आपको दिया होगा। आपने यहाँ को उसको लॉग इन करने का प्रोसीजर दिया कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। ये वाला इसको नेक्स्ट कर लें। पासवर्ड मैंने पहले से डाला हुआ, इसको मैं लॉग इन करके दिखा देता हूँ। ये वाला लॉग इन प्रोसीजर है, ठीक हो गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात बताने वाली ये है कि जब भी आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी को ईमेल करनी है तो आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी को इसी ईमेल आईडी से ईमेल करनी है, तब आपको रिप्लाई बहुत जल्दी आ जाया करेगा। अगर आप अनरजिस्टर्ड ईमेल आईडी से करेंगे, जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ आपका रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो आपको रिप्लाई ही नहीं आएगा। आ भी जाएगा तो उसमें ये लिखा होगा कि आप अपने जो स्टूडेंट आईडी वाले ईमेल आईडी से वहां से करें, ठीक है? तो ये तो प्रोसीजर हो गया। यहाँ से आपको फिर ईमेल करना था जीमेल वाली, जीमेल पे इन्होंने जीमेल की डोमेन यूज करके इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया नोट्स, ठीक है? नोट्स वो वैसी है जैसे आप कोई अपनी डायरी में कोई नोट करते हैं कि कोई चीज के मेरी मेरी मेमोरी के लिए मुझे जो याद रहे, तो उसके लिए आपने जैसे कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट है, जैसे अभी तो एक एक इवेंट मुझे नजर आ रहा है, 2 नवंबर, हम कह रहे लिख लेते इधर सेमेस्टर, सेमेस्टर स्टार्ट, ओके, और वीयू इज गोइंग टू स्टार्ट फॉल 2020 सेमेस्टर ऑन डेटेड 2 नवंबर 2020, ठीक है? ये वैसे एक मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, आप इसको क्लिक कर लें तो आपके पास इस तरह ही आ जाएगा, सही है? तो इस तरह आप बना के रख लें, जैसे कोई इंपॉर्टेंट डेट आपने याद रखनी है वीयू से रिलेटेड, या वैसे भी कोई आपकी लाइफ से रिलेटेड है, तो अभी वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। थर्ड टैब भी हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो भी शॉर्ट ही हमारी। माई स्टडी स्कीम, माई स्टडी स्कीम में ये है कि जो भी टोटल सब्जेक्ट्स आपने सारे इस कोर्स में पढ़ने हैं, जो भी आपका कोर्स है उसमें आपने पढ़ने हैं, वो सारे हर टाइम यहाँ पे जब भी आप एडमिशन ले लिया है सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हो, ठीक है? अच्छा, अभी जो सब्जेक्ट आपने स्टडी कर चुके हैं वो आपके स्टेटस के अंदर स्टडी लिखा आ जाएगा, और जो बाकी के होंगे आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में लेने हैं जो वो आपके यहाँ पे पेंडिंग में आ जाएंगे, ठीक है? तो अभी क्योंकि सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे मेरा जो भी स्टेटस है वो अभी आ जाएगा। अभी सेमेस्टर स्टार्ट होने में कुछ दिन है तो सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? माय स्टडीड कोर्सेज, जो स्टडीड थे उनका भी लिंक अभी अवेलेबल है। तो लिंक अवेलेबल होने का मतलब है कि जो मेरा फर्स्ट टैब था होम टैब, वहां पे जो इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप वो डाउनलोड्स लिंक्स अवेलेबल, सारा कुछ अवेलेबल है। ये बहुत ही अच्छा टैब इन्होंने बनाया है। तो शायद लास्ट वाले लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं था, डाटा गायब हो जाता था सारा, तो इसमें रखा हुआ है। तो ये वाला सारा आपके पास ये ऐसे शो हो जाएगा, सही है? ऐसे आप इसको देख सकते हैं। मीन्स इम्पोर्टेंट इधर तो नहीं है, यहाँ पे जैसे ये है तो आपकी अगर पीपीटी डाउनलोड करनी तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है? वही वाला लिंक खुल गया जो पहले हम देख रहे थे, हमने होम पेज पे देखा था। ये इसके व्यूज हैं और इसमें आप लेसन के भी कॉन्टेंट है, यहाँ पे पीपीटी डाउनलोड कर लें और यहाँ पे आप सारा ये चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो मजे की बात ये है कि इसमें लास्ट सेमेस्टर के आप डाटा अगर आपको चाहिए तो वो डाटा आपके पास अवेलेबल रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात है, जो कि लास्ट में नहीं था, उसमें नहीं था, ठीक है? सेम मैंने ये होम जब टैब मैंने डिस्कस किया था ये वाला, तो होम टैब वाली वीडियो देखिए, उसमें डिटेल मैंने डिस्कस कर दिया। अच्छा जी, माई स्टडीड कोर्सेज तक हम आगे हैं, और अगर हम इस पे ही अगर फिनिश करना चाहें सारा तो कर सकते हैं। स्टूडेंट सर्विसेज में आते हैं। स्टूडेंट सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे दिया है जहाँ पे हर चीज आपके पास वन क्लिक के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है? सारा कुछ आपने HEC की डिटेल लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको बहुत जबरदस्त लिंक्स बुक्स वगैरह मिलेंगी। स्टूडेंट हैंडबुक का जो लिंक मैंने आपको लॉग इन वाली वीडियो में दिखाया था उसका डिटेल आप वो यहाँ पे भी लिंक दिया हुआ है।
नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना, यहाँ स्कोटी रिफंड के लिए, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी रिफंड के लिए यहाँ से जाएंगे, मेल एक्सेट्रा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं यहाँ पे, आप वो लिंक्स वन बाय वन रीड कर लें। तो ये स्टूडेंट सर्विसेज हैं। कोर्स सिलेक्शन है, कोर्स सिलेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेते हैं, और फिर कोर्स सिलेक्शन से ये होगा कि आप कोर्स सिलेक्शन भी करना सीख जाएंगे न्यू टैब के अंदर। अच्छा एक और बात बता दूं आपको कि जो कोर्स सिलेक्शन का टैब इसमें पड़ा हुआ है, कोर्स सिलेक्शन का टैब पहले अलहदा से स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर रखा होता था, आपको स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर आना पड़ता था, और अभी बहुत अच्छा किया इन्होंने कि कोर्स सिलेक्शन का टैब इधर रख दिया। हो सकता है कि कोई इसकी डेट ओपन है, मैं होम पेज पे दिखा देता हूँ, शायद इस वजह से रखा हुआ, कुछ देर के बाद हमें देखना पड़ेगा कि ये टैब इधर रहेगा या गायब हो जाएगा। ठीक है चलो जी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं इंशाल्लाह, और लास्ट हमारा टैब है कोर्स सिलेक्शन वाला, उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।